विदाउट एग शर्माल बनाने के लिए एक बड़ा बाउल लिया है। बाउल में 2 चम्मच शुगर पाउडर ऐड करते हैं, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सूजी, 1 कप गुनगुना दूध। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। पाँच सौ ग्राम मैदा डालकर थोड़ा थोड़ा एक सॉफ्ट डो बना लेते हैं। तीस ग्राम बटर, 1/2 कप में बटर को हमने बाद में यूज़ किया है। बाद में बटर यूज़ करने से शीरमाल बहुत अच्छा बनता है। शीरमाल का डो बनाकर तैयार कर लिया है। 2 घंटे के लिए ढककर रख देते हैं सेट होने के लिए। दो घंटे हो चुके हैं, आटा अच्छे से सेट हो चुका है। आटे को मिक्स कर लेते हैं हाथ से। आटे से बॉल काटकर पेड़े बना लेते हैं। पेड़े बनाकर तैयार कर लिया, सूखा आटा लगाकर बेल लेते हैं। माल को बेल कर तैयार कर लिया है। बहुत मीठा नहीं रखेंगे, इतना ही रखेंगे। कांटे से छेद कर लेते हैं इस तरह से। केवड़ा वाटर में फूड कलर बनाकर तैयार कर लिया है। शीरमाल में अप्लाई करते हैं। शीरमाल में येलो कलर लगाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से सारे शीरमाल बनाकर तैयार कर लेंगे। पैन गर्म हो गया, शीरमाल ऐड करते हैं। ढककर 5 मिनट तक धीमी आंच पे सेक लेते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, दूसरी तरफ पलट कर सेक लेते हैं। 5 मिनट तक ढककर शीरमाल को पलट कर दूसरी तरफ 2 मिनट तक सेक लेते हैं। प्लेट में निकाल लेते हैं। शीरमाल बनकर तैयार हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसी तरह सभी शीरमाल बनाकर तैयार करेंगे। डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी येलो कलर के शीरमाल बनकर तैयार है। शीरमाल खाने में बहुत जायकेदार है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खाएँ, वो बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को आप भी बनाएं, खाएं, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। यह आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। दीजिए अपनी सफीना खान को इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।